बेरी विधानसभा में बीजेपी युवा नेता संदीप सिंह डीजी युवा के नेतृत्व में 11 सितंबर से चल रहे जनसंपर्क अभियान का आज अनोखे ढंग से समापन हुआ। संदीप सिंह डीजी युवा ने अपने टीम के साथ मिलकर बेरी विधानसभा के हर गांव में पौधे लगाकर अभियान का समापन किया। डीजी युवा की टीम हर गांव में मौजूद रही। डीजी युवा ने अपने पैतृक गांव दुल्हेड़ा से सैकड़ों महिलाओं, बच्चे, युवा और बुजुर्गों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। साथ ही हर घर में मोदी और मनोहर नाम के पौधे वितरित किए। विधानसभा के हर गांव में 3,500 पौधे लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर समर्पित किए। जनसंपर्क अभियान के समापन अवसर पर जिस तरह से गांव-गांव में लोगों की भीड़ और पौधे लगाने को लेकर लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा था, उससे साफ जाहिर था कि युवा नेता संदीप सिंह डीजी को लोग यहां अपना नेता मान चुके हैं और विधानसभा में अब की बार संदीप सिंह डीजी युवा को जिताकर ही कमल खिलाएंगे। संदीप सिंह डीजी युवा को 11 से 15 दिन के जनसंपर्क अभियान के दौरान विधानसभा के लोगों का बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह मिला। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर कोई संदीप सिंह डीजी युवा को अपना भाई बेटा बताकर अपना बताता नजर आया। संदीप सिंह डीजी युवा ने कहा कि आज उनके जनसंपर्क अभियान का समापन हुआ है। इस अभियान के दौरान विधानसभा के लोगों ने जिस तरह से उनको और उनकी पार्टी को प्यार दुलार दिया, उसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आज समापन अवसर विधानसभा के हर गांव में मोदी जी और मनोहर लाल के नाम के पौधे भी बांटे गए हैं और हर विधानसभा में करीब 3,500 पौधे लगाए गए हैं। संदीप ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि आज उनका अभियान समाप्त हो गया और साथ ही 2 रोज बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। हमें पौधे लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन पर एक छोटा सा उपहार उन्हें भेंट करते हैं। और आज मैंने ये दुलेड़ा से शुरुआत करके अब मेरी टीम सारी वहाँ सभी गाँव में खड़ी हुई है। हम वहाँ पे जाके सभी को सबसे गाँव वालों से आशीर्वाद लेंगे और सबका मैं धन्यवाद करूँगा कि आप सब लोगों ने, पूरे बेरी विधानसभा ने, जो भाजपा को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यों को जो सहयोग आज देखने को मिलेगा, वो आज इतना लाजवाब है कि सभी के सभी गांव में मेरे कर्मठ कार्यकर्ता, मेरे भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता आज सभी ने ये पौधारोपण करके दिखा दिया कि अब की बार बेरी विधानसभा में बदलाव के लिए हर गाँव, 36 बिरादरी, हर आदमी तैयार है, जिससे आपको आज ये मीडिया के माध्यम से हमारी क्लिप मिल जाएंगी कि सभी गांव में हमारे कार्यकर्ता ने काम किया है। इस दौरान संदीप सिंह डीजी युवा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान भी किया। डीजी युवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई है, तब से वहाँ के युवाओं में काफी उत्साह और उम्मीद जगी है कि अब कश्मीर में आतंकवाद नहीं, रोजगार आएगा। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डीजी युवा की टीम भी अपनी आहुति डालना चाहती है। कश्मीर में डीजी युवा के नाम से एक सेंटर खोला जाएगा, जिसमें युवाओं को निःशुल्क कोर्स कराए जाएंगे, ताकि कश्मीर का युवा रोजगार की तरफ अग्रसर हो। संदीप सिंह ने कहा कि वो अमेरिका छोड़कर अपने देश के लिए समर्पित होने के लिए आए हैं। अपने एनआरआई साथियों के सहयोग से वो कश्मीर में डीजी युवा सेंटर खोलकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करेंगे। सरकार से पूछ के एक लोकेशन देखूंगा, उस लोकेशन पे डीजी युवा का सेंटर खुलेगा और उस सेंटर में मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी, अपने एनआरआई दोस्तों को बुलाऊंगा, सम्मेलन कराएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं कश्मीर में भी एक छोटा सेंटर खोल के बीड़ा उठा रहा हूं, तो आप मेरा सहयोग करें। और मेरे एनआरआई दोस्तों ने मुझे भरोसा दिया है कि संदीप भाई जो काम कर रहे हो आप करो, और हमारे अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो काम किया है उसमें आप भागीदार बनो, हम आपके साथ हैं, हम वहाँ सेंटर जल्दी खोलने वाले हैं। संदीप की माने तो जिस तरह से देश और प्रदेश में मोदी जी और मनोहर के नेतृत्व में काम हो रहा है, उससे साफ जाहिर है कि अब नए भारत का निर्माण हो गया है। नए भारत में हमें वो सब मिलेगा जिससे हम पढ़े लिखे युवाओं को विदेशों में तलाशने जाते हैं। वहीं संदीप सिंह डीजी युवा ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरी विधानसभा में मोदी नाम का पौधा लगाया गया है, जिसका पालन पोषण लोग अपने बच्चे की तरह करेंगे। ये पौधा अब की बार बेरी विधानसभा में हर हाल में कमल खिलाएगा। आज मुझे बहुत तहे दिल से खुशी हो रही है कि हमारी 11 तारीख से 15 तारीख तक जो संपर्क अभियान चला हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आज हमने 15 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है 17 तारीख को, उसके लिए मेरे बेरी विधानसभा में 49 गांव में 49 गांव में जो हमारे पूरे बेरी विधानसभा के गांव हैं, उनमें हमारी टीम ने, संदीप सिंह डीजी युवा की टीम ने और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने आज 49 गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी को 3,500 पेड़ लगा के उनके 69वें जन्मदिन पर हमने आज एक ये अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने के लिए उनके जन्मदिन पर एक छोटा सा हमने उनके बधाई दी है, उनको जन्मदिन की वृक्षारोपण करके पर्यावरण को बचाने के लिए
आज हमने 49 गांव में हमारी टीमों ने 50, 50, 100, 100 आदमी हमारे हर गांव में इकट्ठा होके आज संदीप सिंह डीजीवा ने और हमारी टीम ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी को ये हमने आज जन्मदिन की बधाई दी है। सत्य खबर के लिए झज्जर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।